हिंदुस्तान की सरकार का बजट लाखों करोड़ रुपए का बजट है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो तीन ओबीसी अफसर हैं इनकी भागीदारी कितनी है? ये बजट पे कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप मुझे बताओ, ओबीसी अफसर कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी की सरकार है, सब शांत, किसी को नहीं मालूम। क्यों ये आपको नहीं बताना चाहते हैं? आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। सच्चाई भाइयों और बहनों यह है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। ओबीसी अफसर 3 है 90 में से, और 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, नरेगा कैसे बनेगा, भोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा, ये तो इन अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, ओबीसी की सरकार नहीं है। और देखिए, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। आप देख लेना, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है देश की कि ये जो सारी की सारी लूट हो रही है, ये व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है।